दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2021 के लिए हमारी हर रोज़ वीडियो आती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक जो हर रोज़ वीडियो आती है वो नहीं देखी है, तो दोस्तों इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तराखंड पुलिस टेस्ट करके। आप वहाँ जाइए, आपको सारे अभी तक जितने वीडियो अपलोड हैं आप उन्हें स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप उत्तराखंड पुलिस के अभी तक के हुए सारे पेपर, SI और कांस्टेबल या बंदी रक्षक के पेपर हो, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहां जाकर देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस के बारे में बहुत सारी वीडियो हैं, जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में आप उत्तराखंड के पुलिस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादातर इसमें परीक्षावाणी बुक से लिए गए हैं, जितने क्वेश्चन इसमें हैं। और दोस्तों क्योंकि परीक्षावाणी से ही आपके 20 से 25 के बीच में आपके ज़्यादा प्रश्न इस बुक से ही आएंगे और बिल्कुल आप स्कोर भी कर ले जाएंगे एग्ज़ाम, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों एक ये कल का क्वेश्चन है, इसमें दो ऑप्शन एक ही जैसे हो गए थे और मैंने इसका उत्तर उत्तरकाशी बता दिया था, लेकिन इसके दोस्तों जौनसार, बाबर और उत्तरकाशी दोनों में, पर आयोग दोस्तों ऐसा नहीं करेगा, या तो ए और सी दोनों या ए और डी इस तरह से आयोग देगा या फिर एक ही ऑप्शन देगा। अगर आयोग के अगर जैसे कल मेरे से गलती हुई, अगर आयोग भी कई बार आयोग की तरफ से भी होती है कि 3-4 क्वेश्चन उनमें इस तरह के रह जाते हैं, तो आयोग उनको या तो डिलीट करके एक एक नंबर सबको दे देता है, तो इस तरह से होता है। तो बहुत से लोगों ने इसका फिर सही उत्तर बताया। तो सबसे पहले जो कमेंट आया था उनका घंटा टॉप देहरादून, हालाँकि घंटा टॉप द घंटा टॉप रामसर वाले नहीं, उनका अलग चैनल है, वो उन्होंने सिर्फ अलग किया है। तो उनका कमेंट सबसे पहले आया था कि ये दोनों जगह लगता है करके, और बाकी उसके बाद फिर सक्सेस पॉइंट का राहुल डोभाल जी का, पंकज रावत जी का और मिस्टर पेन करके कुछ है, तो उनका भी आया था और भी बहुत लोगों का कमेंट आया था। तो दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ये उत्तर इसका ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगली बार भी। तो दोस्तों जैसे बिस्सू मेला है, ये चक्राता तहसील के सुरूड़ी, जौनसार, बाबर और आराकोट प्रांगण यहाँ भी लगता है। उत्तरकाशी में जैसे भूटाणु, टिकौची, किरौली और मैझणी यहाँ भी लगता है, और स्थानीय भाषा में इसको ठोठा खेलना कहते हैं, ठोठा खेलना भी इसको कहते हैं स्थानीय भाषा में। तो चलिए दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आज आपका पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनमें से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की नहीं है? लीलाधर जगुड़ी दोस्तों बहुत जो इतने पुराने पेपर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे हर बार लगभग पूछे गए हैं, अभी हाल ही के एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो इनमें से कौन सी रचना लीलाधर जगुड़ी की नहीं है? नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद या फिर दूर का आकाश। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा दोस्तों उनके लिए तो तुक्का लगाने वाली बात है इसमें। तो लीलाधर जगुड़ी की कौन सी रचना नहीं है? नाटक जारी है, तो ये इनकी रचना बिल्कुल है दोस्तों, आप याद कर लीजिए, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, और अनुभव के आकाश में चांद, दूर का आकाश दोस्तों इनकी रचना नहीं है। अब बात आती कि दूर का आकाश किसकी रचना है, तो यह है गोविंद चातक, इनकी रचना है दूर का आकाश। बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, खास तौर से दोस्तों अनुभव के आकाश में चांद, इसे तो बिल्कुल आप याद ही रखेंगे। आपको दोस्तों बताना है जो अभी ये जो तीन रचनाएं हैं लीलाधर जगुड़ी जी की, इनमें से ही एक रचना उनकी कोई है जिसके लिए इन्हें जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो कौन सी रचना है? वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1997 में। तो वो कौन सी रचना है इन तीनों में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो दोस्तों पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसमें जैसे कि 2018 में इनको एक सम्मान मिला था, वो था कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान। बिल्कुल दोस्तों याद कर लीजिए, व्यास सम्मान मिला था 2018 में। वो रचना थी उनकी जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, दोस्तों बिल्कुल आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ? कबीयू का जो है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्मतिथि भी पूछी जाती है। तो जन्म हुआ था इनका टिहरी में, टिहरी में। और इनकी एक रचना मेरे को याद आ गई, वो है महाकाव्य के बिना, महाकाव्य के बिना, और एक और है शंखमुखी शीघ्र ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज का ये पहला क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आप जान गए होंगे।
अभी दोस्तों जो लोग नए हैं वो सिर्फ आप सुनते चलिए, अगर आपने उत्तराखंड नहीं पढ़ी है तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो अनुभवी हैं उनका उनके लिए अच्छा प्रैक्टिस हो रहा होगा ये। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है खेल से, 223वां क्वेश्चन है, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि अभी उत्तराखंड पुलिस में भर्ती आने वाली है, हालांकि लंबे समय से नहीं आई, तो कई लोग आपके आसपास भी होंगे कि कहेंगे कि पुलिस में भाई जुगाड़ चलता है, पैसे लगते हैं, पैसे देने पड़ते हैं तब भर्ती होते हैं, या क्या इस तरह का आपके साथ भी होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, तो आप लोग उनसे दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का आपके सामने है कि फॉरेस्ट गार्ड के बाद कैसा हुआ था। तो अगर अब ऐसा कहीं होता है किसी को पता चलता है कि आपको पता है कि आजकल कैसा ज़माना है, तो जैसे फॉरेस्ट गार्ड के बाद सब लीक हो गया था, बहुत कुछ भी रिपोर्ट हो, बहुत कुछ बवाल हो गया था, तो अगर पुलिस में भी अगर कुछ इस तरह का होगा तो जहाँ तक इस तरह का दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जो कहने वाले हैं दोस्तों आपको सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे आप अपना नाम लाएंगे, वो भी बिल्कुल कुछ इस तरह के पैसे, मतलब कि कहते हैं कि पैसे लगते हैं, कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो आप बिल्कुल दोस्तों दूर रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो आप कमेंट में बता सकते हैं अगर इस तरह के लोग करते हैं तो बातें, तो छोड़िए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमन कुटियाल, चंद्र प्रभा एतवाल, जसपाल राणा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे आज तक। तो सबसे पहले दोस्तों ये मिला है, इसका सही उत्तर है चंद्र प्रभा एतवाल को, चंद्र प्रभा एतवाल। तो चंद्र प्रभा एतवाल को राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 1994 में, माना इस तरह से आए, जरूरी नहीं कि ऐसे आए, ऐसे एक बार इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, कनिष्ठ साहिक के एग्जाम में आया था ये प्रश्न कि 1994 में किसे साहसिक राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर है चंद्र प्रभा एतवाल। ये दोस्तों पिथौरागढ़ से संबंध है इनका, पिथौरागढ़, बाकी बहुत हैं पिथौरागढ़ से जिनका कि पर्वतारोहण या किसी और खेल में, ज़्यादातर पिथौरागढ़ के बहुत हैं, उत्तरकाशी से और भी अल्मोड़ा, चमोली, बाकी सभी ज़िले से, देहरादून, सभी ज़िले से लगभग हैं, बागेश्वर चाहे कोई ज़िला हो, तो सभी खेल खिलाड़ी तो होते हैं हमारे राज्य में। और जो इन सुमन कुटियाल नहीं, चंद्र प्रभा एतवाल हैं दोस्तों, इनको 1993 में एक वो मिला था कि भारत सरकार के द्वारा नेशनल एडवेंचर अवार्ड इनको दिया गया था। सुमन कुटियाल दोस्तों इनका संबंध भी पिथौरागढ़ से है, तो ये आपको याद रखना है, सुमन कुटियाल ये भी पिथौरागढ़ से हैं, इनको भी नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिल चुका है 1994 में भारत सरकार की ओर से। और एक हंसा मंडराल हैं, वो उनका संबंध भी पिथौरागढ़ से ही है, हंसा मंडराल शर्मा, वो भी पिथौरागढ़ से ही हैं। और जसपाल राणा दोस्तों ये हैं, निशानेबाजी से इनका संबंध है, निशानेबाजी में इनका बड़ा नाम है, निशानेबाज। तो जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है, तो आएगा तो निशानेबाजी। पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर, घुड़दौड़ी, लोहाघाट या फिर रुड़की। तो दोस्तों सही तरह इसका घुड़दौड़ी पौड़ी में है ये, गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो ये आपको याद रखना है, पिथौरागढ़ में है नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज। और एक और कॉलेज है दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, वो है कि कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज, तो कुमाऊँ है तो कुमाऊँ क्षेत्र में ही होगा, तो कुमाऊँ में ये है द्वाराहाट, और द्वाराहाट कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुंदरलाल बहुगुणा जिसे प्रश्न है ये, और इनसे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न बने हैं आज तक पिछले पेपरों में, कि सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से तो दोस्तों इस फॉर्मेट में तो नहीं पूछा गया था, पर दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो आपको बताना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। अब दोस्तों जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये सिर्फ दो ही लोगों को मिला है अभी तक, ये आपको याद रखना है। किसको मिला है, एक दीप जोशी को मिला है, इनको मिला है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, दीप जोशी। और दीप जोशी को मिला था, कब मिला था, तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको बताना है कि 2009 में। तो सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में आपको यहाँ बताना है कि किस पुरस्कार से। और
82 में एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले जो मिला था वो मिला था किसे? चंडी प्रसाद भट्ट को। चंडी प्रसाद भट्ट को, चंडी प्रसाद भट्ट आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों। और पद्म विभूषण से सम्मानित इनको किया गया था, पद्म विभूषण, तो ये आपको याद रखना है, पद्म विभूषण 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को। बाकी दोस्तों सबसे बड़ा इनमें पुरुष, जैसे कि रेमन मैक्स से अलग है, पद्म विभूषण बड़ा है, फिर उसके बाद पद्म भूषण थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद फिर थोड़ा नीचे पद्म श्री। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो पद्म भूषण है दोस्तों ये मिला था, जैसे पहला पद्म भूषण मिला था कमलेंदुमती शाह को 1958 में, कमलेंदुमती शाह को। तो बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी से ही लिए गए हैं इसमें, तो आपकी जो बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा इस बुक से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा, बिल्कुल आसान है और आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों इसमें जैसे 10 क्वेश्चन है, तो आपको 10 में से पूरे लगभग लगभग सही करने की कोशिश करनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हमारा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ स्थित है, या नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, NIM, तो ये आपको बताना है। उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो ये है कहाँ, चमोली में। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। कई बार आयोग इस प्रश्न को पूछ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। चाहे UKPSC हो या UK SSC, सबके द्वारा, और UBTR भी पहले पेपर कराता था तो उसके द्वारा भी यही प्रश्न पूछ लिया गया है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और नैनीताल पर्वतारोहण क्लब कहाँ है, तो नैनीताल पर्वतारोहण तो नैनीताल में ही होगा, तो ये आपको याद रखना है। नैनीताल में आप लगा सकते हैं कि नैनीताल में ही होगा, तो नैनीताल में ही है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब। तो अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से होकर गोला नदी बहती है। गोला नदी बहती है, गोला का दोस्तों अगर प्राचीन नाम, पुराना नाम बात करें तो यह है गार्गी। तो ये आपको याद रखना, एक नया फैक्ट आपको मिल गया। जैसे अलकनंदा का, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है, एक एग्जाम में उत्तराखंड के प्रश्न बना था, तो हिरण्यवती उसका सही उत्तर था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों गोला नदी बहती है, गोला नदी बहुत लोग जानते होंगे इसके बारे में, तो गोला नदी आपको सही उत्तर पता है कि ऑप्शन नंबर ए है, हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चमोली में तो बहुत सारी नदियां बहती है, जैसे अल्मोड़ा क्या है, किस नदी के तट पर बसा है, तो कोसी और सुयाल नदी। तो ये आपको याद रखनी, कोसी और सुयाल नदी। कोसी का प्राचीन नाम कई बार एग्जाम पूछा गया, कौशिकी नदी कहा गया इसको। और जो सुयाल है, सुयाल नदी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वह सालमली, आप बिल्कुल याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा गया था सालमली। बाकी चमोली में मंदिर, नदियां, तो सब कुछ बहुत है, अलकनंदा जो संगम है, प्रयाग है, सब कुछ चमोली में ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न दोस्तों बहुत कम लोग इसको सही कर पाएंगे। अगर माना इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको जो सही करेंगे वो बहुत फ़ायदे में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर वीडियो में जैसे एक नंबर आप में बहुत ऊपर चले जाएंगे, और एक नंबर अगर गलत होता है तो आप बहुत पीछे भी। कई बार दोस्तों जैसे आप छोटे होंगे या कोई आपके दोस्त मित्र लोग कई बार कहते हैं कि मेरा एक नंबर से रुक गया, मेरा 0.1 इतने से रुक गया, तो ये आपको एग्ज़ाम में सही करना होता है। तो निम्नलिखित तालु में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। डोडी ताल, उत्तरकाशी, सुखताल, चमोली, कांसरो ताल, देहरादून, जल ताल, नैनीताल। तो सभी ताल हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। डोडी ताल दोस्तों उत्तरकाशी में है, 6 कोनों वाला है, बिल्कुल सही है। सुखताल ये चमोली में है, ये भी बिल्कुल सही है। कांसरो ताल दोस्तों देहरादून में है, रायवाला के पास है, देहरादून में। रायवाला आप जो लोग रहते हैं, जो लोग गए होंगे या जो लोग वहीं रहते हैं तो उनको पता होगा, जो गढ़वाल से ज़्यादातर हैं, तो रायवाला में है। और चंद्रवाड़ी ताल भी देहरादून में, क्या पता वो एग्ज़ाम पूछ लिया जाए। तो ये बिल्कुल सभी दोस्तों सही हैं। डोडी ताल उत्तरकाशी है, सुखताल कहाँ है, चमोली में है, कांसरो ताल देहरादून में है। तो झल ताल दोस्तों ये भी सुखताल के पास ही, यानी कि सुखताल के पास है, सुखताल कहाँ है, तो चमोली में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी लेक डिस्ट्रिक्ट और उत्तराखंड से नैनीताल को खा जाते हैं, क्योंकि नैनीताल में बहुत सारी झीलें हैं, खुद नैनीताल और बाकी भीमताल, तो बहुत सारे 7 तालों का समूह, नंदमती, बहुत सारे ताल हैं नैनीताल में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाला सुंदरी देवी मंदिर जो काशीपुर में स्थित है, कौन सा मेला लगता है। बाकी दोस्तों अभी आपको लग रहे होंगे कि कम क्वेश्चन है,
बाकी आप चिंता मत करिए दोस्तों, बाकी 30-30 क्वेश्चन भी अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो उसके बाद पहले डिटेल में, फिर उसके बाद, क्योंकि पहले मैं आपको इसलिए वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि आप कुछ लोग क्वेश्चनों से बहुत कुछ जान सके, फिर आपको जब क्वेश्चन आपको पता रहेंगे, जब डिटेल में वीडियो लाऊंगा तो आपके मन में जैसे क्वेश्चन पड़े रहते हैं तो हम कुछ ना कुछ आपको लगता है थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में उस समय, तो इसलिए ये वीडियो। बाकी विज्ञप्ति आने के बाद आपके लिए डिटेल में उत्तराखंड और हिंदी, बाकी जीके दोस्तों हर रोज़ सुबह आपको मॉर्निंग में मिली रही है, तो 20 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे हर रोज़। तो बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप SSC दे रहे हैं, SSC GD दे रहे हैं या SSC CHSL जो भी RRB जो भी एग्ज़ाम देते हैं आप, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बाला सुंदरी देवी मंदिर जो कि काशीपुर में स्थित है, कौन सा मेला लगता है? रामनवमी मेला, गौचर मेला, चैती मेला, झूला मेला। दोस्तों ये प्रश्न भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, बाला सुंदरी देवी मंदिर कहाँ है? अगर यही एग्ज़ाम में आता है तब आपको करना है काशीपुर। काशीपुर में है बाला सुंदरी देवी मंदिर, और ये बोक्साओं की देवी, जो बोक्सा इस जनजाति की देवी है अगर इस तरह से, तो बोक्साओं की है, तो ये आपको याद रखना है। तो गौचर मेला आपको पता है कि चमोली में लगता है, तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे कट गया। गौचर मेला दोस्तों 1943 में इसकी शुरुआत हुई थी पंडित नेहरू जी के जन्मदिवस के अवसर पर, और कमिश्नर बर्नेडी ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसका सही उत्तर हो गया चैती मेला, चैता का चैत वाला दोस्तों वो जो खैर, तो ये बाला सुंदरी चैती मेला, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, काशीपुर में है। ये क्वेश्चन BPDO के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था 2018 वाले में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, बाकी कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाकी चिंता मत करें कि अभी कम क्वेश्चन है, बाकी 30-30 प्रश्न, फिर उसके बाद विज्ञप्ति आने दीजिए। बाकी पहले डिटेल में, तब तक आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है तो आप उन्हें भी 30 क्वेश्चन तक मान सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन जैसे फिर एक अलग क्वेश्चन थोड़ी ना दोस्तों, जैसे कि गौचर मेला कहाँ लगता है, फिर एक क्वेश्चन अलग बना दिया कि बाला सुंदरी मेला कहाँ लगता है, बाला सुंदरी मंदिर में कौन सा मेला लगता है, जैसे और भी है, जैसे फिर एक ही क्वेश्चन जैसे डोडी ताल कहाँ स्थित है उत्तरकाशी, इनके इसके लिए एक ही प्रश्न, तो आप दोस्तों 3-4 प्रश्न को मिला के तो एक बार इस तरह से आप मान सकते हैं कि ये है गोला नदी। तो बहुत कुछ मैंने आपको बताया इस बारे में, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, इम्पोर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, जो आयुष्मान कार्ड बन रहे थे, तो अटल आयुष्मान उत्तराखंड, अटल आयुष्मान जो भारत वाली अलग थी दोस्तों, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को कब लागू किया गया था? तो दोनों योजना कब लागू की गई थी, वो एक ही टाइम लागू की गई थी 2018 में, तो 2018 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तराखंड में 25 दिसंबर के टाइम शायद, अगर कन्फर्म शायद यही है कि दिसंबर के टाइम ये योजना शुरू की गई थी अटल जी के जन्मदिवस के अवसर पर, क्योंकि अटल जी का जो जन्मदिन होता है दोस्तों वो होता है 25 दिसंबर को, और ये जन्मदिन मनाया जाता है इनका सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, किनका? अटल जी का। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी कल सुबह आप तैयार रहिए, मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो आएगी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।